So let's start with a new chapter which is admission of a partner. Students, हम लोगों ने अभी partnership के chapter में आपने पहला chapter पढ़ा था जो कि एक basic fundamentals बताता था आपको partnership के. फिर हम लोगों ने start किया था reconstitution of partnership firm. उसके पहले part में आपने goodwill सीखा था, फिर उसके बाद आपने जो है change in profit sharing ratio सीखा था. ठीक है, मैंने बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है हमारा. रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपका आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, अब इसके अंदर में हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ने जा रहे हैं. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है मेनली वो समझ लीजिएगा. तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमें जो है 5 टॉपिक्स पढ़ना रहता है. आपको 5 टॉपिक पढ़ना रहता है. ठीक है, ये 5 टॉपिक कौन कौन से रहते हैं. एक सबसे पहला टॉपिक रहता है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या आप इसको कह सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फिर दूसरा हमारा जो टॉपिक रहता है, ये टॉपिक हमारा रहता है गुडविल. फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. फिर अगला टॉपिक आपका होता है जनरल रिजर्व. और लास्टली हम लोग यहां पर करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. लास्टली हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जो आपका न्यू सीबीएसई का गाइडलाइंस आया है जो कि अभी कुछ ही दिन पहले सीबीएसई ने लाया था, उसके अंदर में सीबीएसई ने क्या किया है, इसके अंदर में सीबीएसई ने एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इस टॉपिक को हटा दिया है. नाउ दिस टॉपिक हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. हम लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था. वहाँ पर एसेट्स है, वहाँ उसके बारे में सीबीएसई ने अपनी कोई भी गाइडलाइंस नहीं दिया है. ये टॉपिक कहाँ से हटाया सीबीएसई ने, सीबीएसई ने इस टॉपिक को हटाया है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में से. सो अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इस टॉपिक पर बेस्ड कोई भी सवाल नहीं करेंगे. इसके अलावा हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमें कंडीशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट, आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, चैनल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं. जिसमें से मैं आपको बता दूँ टॉपिक 2, टॉपिक 3 और टॉपिक 4, ये तीनों टॉपिक आपने जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था, आपने ये तीनों टॉपिक जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था वही सेम है. और जिस बच्चे ने अगर वहाँ पर मेहनत करके पढ़ लिया होगा उसको यहाँ पर मेहनत कम से कम करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर लिटरली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ मेहनत करने की एक टॉपिक में ज़रूरत है विच इज़ कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. और बेसिकली हम लोग जो अपनी क्लास करेंगे, जो डिस्कशन का पार्ट अभी हमारा रहेगा आज का, वो मेनली कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर ही रहेगा. सो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जैसे होगा क्या, सपोज करो पहले दो पार्टनर थे ए और बी, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. नाउ सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, सी को उन लोगों ने एडमिट कर लिया एज अ पार्टनर. नाउ What the question will require you, question will provide you different cases, अलग अलग cases आपको provide करेगा, जिसके बाद में आपसे पूछेगा compute the new profit sharing ratio of ABC. आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं. मैंने एक example दिया आप लोगों को, मैंने example में आप लोगों को क्या दिया, मैंने example में ये कहा कि question में आपको दिया रहेगा कि A और B आपस में profit share करते थे 2:1 के ratio में. Let's assume नया partner admit किया इन लोगों ने C को एडमिट किया,
ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या करना रहेगा, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट करना रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट करना रहेगा ऑफ ए बी एंड सी, एंड फॉर दिस वी विल हैव डिफरेंट केसेस एंड सिनेरियो। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन ईच केस, हम हर केसेस को एक एक करके ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, और जैसे मैं आप लोगों को सिखाता हूँ एक एक केस को हम लोग जो है एग्जाम्पल्स के साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपके माइंड में सिर्फ जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, क्वेश्चंस कैसे करके सॉल्व करना है इसकी भी क्लैरिटी साथ साथ में आपके दिमाग में बनती हुई चले। सो मैंने यहाँ पर एक आपको जो है एग्जाम्पल पहले लिखा, एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर क्या, एग्जाम्पल लिखा ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। नाउ सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, सी को एडमिट किया गया है एज अ पार्टनर। कंप्यूट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी इन द फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस में अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। केस वन, केस वन, केस वन, केस वन में क्या है, केस वन में है हमारा जब न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता है, जब न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता है एंड क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ओल्ड पार्टनर्स, क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं समझाता हूँ क्या, पहले मैं केस वन लिखता हूँ। केस वन, केस वन क्या हुआ, वेन न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन बट क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन साइलेंट है किसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन साइलेंट है ओल्ड पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग। जैसे इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, आपका जो एग्जांपल था इसी में कंटिन्यू हम लोग करते हैं, कंटिन्यूइंग अबव एग्जांपल, कंटिन्यूइंग अबव एग्जांपल, इफ सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी को हम लोगों ने एडमिट कर लिया कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट पर, सी को हम लोगों ने एडमिट कर लिया फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा, मैंने ऊपर वाला एग्जांपल को ही कंटिन्यू किया जब ए और बी पार्टनर्स थे, मैं जितने भी केसेस बनाऊंगा मैं ऊपर वाला एग्जांपल को ही कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, ए और बी पार्टनर्स थे, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। नाउ सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, ठीक है। कंप्यूट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अभी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का कंप्यूट करना है, एंड क्वेश्चन में लिखा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इस सॉल्यूशन को समझिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ए बी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए बी पार्टनर हैं, इनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, आपको ऐसा लिखा कि इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया सी, आपसे मांग रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का, और आपको यहाँ पर बता रहा है कि सी का जो नया शेयर है वो है 1/5। अब आप देखो जब नया पार्टनर सी आ रहा है 1/5 इसका शेयर हो रहा है, तो ए बी का क्या, प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा, जब नया पार्टनर सी आ रहा है, जब ये एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो ए बी का क्या,
ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो आपस का बदल जाएगा ना। पहले दो लोग बांटने वाले थे, तीसरा बंदा आ गया, अभी तीसरे बंदे का शेयर तो हमने बता दिया, मगर ए बी के शेयर के बारे में, ए बी के फ्यूचर के शेयर के बारे में, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए बी का फ्यूचर का शेयर क्या होगा इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है, इस पूरे क्वेश्चन में ये हो रहा है कि ए बी का जो शेयर है इसके बारे में क्वेश्चन, फ्यूचर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन पूरी तरीके से हमारा साइलेंट है। अब इस केस में हम लोग ए बी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको कैसे करके कंप्यूट करेंगे, यहाँ पर यही केस वन में हम लोगों को सीखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ए बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, मैं लिखता हुआ भी चल रहा हूँ। इन द क्वेश्चन, इन द एग्जांपल, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी, कितना दिया हुआ है आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी, आपको दिया हुआ है ये 2:1। फिर आपको दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी, और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी आपको दिया हुआ है 1/5, ठीक है। फिर अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बट क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी, क्वेश्चन साइलेंट है पूरी तरीके से, किसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन इज साइलेंट कम्प्लीटली रिगार्डिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। सो वॉट विल डू इन दिस केस, ध्यान समझिएगा, ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा, ध्यान से समझिए, ऐसे केस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसे होगा कि विल फाइंड आउट, आप पहला क्या करेंगे, आप पहले फाइंड आउट करेंगे रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर्स शेयर, और ये रिमेनिंग शेयर आप कैसे निकालेंगे, ये रिमेनिंग शेयर निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है, दिस इज वन माइनस न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये रिमेनिंग शेयर जब आपका आ जाएगा, अब इसके बाद में नाउ द रिमेनिंग शेयर शैल बी distributed between A and B in their old profit sharing ratio। अब जो इसके बाद में जो हमारा रिमेनिंग शेयर बच जाएगा, दैट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या मतलब हुआ कहने का, तो बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो एग्जांपल है उसमें ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सी का 1/5, और क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, ध्यान समझिएगा, तो अब यहाँ पर हम लोग जो है बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर, ठीक है। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे, 1 माइनस सी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना है, सी का न्यू शेयर है 1/5, क्योंकि सी हमारा न्यू पार्टनर है, आपने कर दिया 1 माइनस सी का न्यू शेयर। तो 1 माइनस सी का न्यू शेयर करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर कितना रिमेनिंग शेयर बचा, आपके पास में यहाँ पर रिमेनिंग शेयर बचा 4/5, आपके पास में कितना रिमेनिंग बचा 4/5, मतलब आपने सी को दे दिया पूरे 1 में से 1 माइनस 1/5, आपके पास में रिमेन कितना बचा, रिमेनिंग बचा 4/5। फिर अब हम इस रिमेनिंग शेयर को क्या करेंगे, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब अब जो ए का न्यू शेयर आएगा, ध्यान समझिएगा, जो ए का हमारा न्यू शेयर आएगा,
ए का न्यू शेयर आएगा यहाँ पर रिमेनिंग शेयर, ध्यान से देखिए क्या आया, ए का जो न्यू शेयर आया आपका रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे रिमेनिंग कितना बचा हुआ है हमारा, रिमेनिंग बचा हुआ है 4/5। नाउ दिस हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये 2/3 हो गया, ये आया आपका 8/15। सिमिलरली जो बी का न्यू शेयर आ रहा है हमारा, ये भी हम लोग ऐसे ही बांटेंगे, आप कैसे बांटेंगे, 4/5 इंटू 1/3, 4/5 इंटू 1/3, 4/15। जो हमारा बी का न्यू शेयर होगा ये भी होगा 4/5 इंटू 1/3, 4/15। ये हो गया हमारे बी का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर 8/15, बी का न्यू शेयर 4/15। अब सी का न्यू शेयर आपने देख लिया, सी का न्यू शेयर ऑलरेडी आपको पता था स्टूडेंट्स, सी का न्यू शेयर हमारा था कितना, सी का न्यू शेयर हमारा था 1/5, राइट। मगर आप देखो तीनों का एलसीएम जो है एक बराबर होना चाहिए, मतलब तीनों का एलसीएम कितना होना चाहिए, तीनों का एलसीएम आपको होना चाहिए 15 15 15। तो ए का तो 15 हो गया, बी का भी 15 हो गया, मगर सी का जो है ये 15 नहीं है, सी का जो आपका डिनोमिनेटर है वो है 5। तीनों के डिनोमिनेटर से एक बराबर होने चाहिए, मगर तीनों के डिनोमिनेटर्स क्या एक बराबर है, नहीं। ए का तो 15 है, बी का भी 15 है, मगर सी का है 5। तो सी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सी के लिए आप 1/5 इंटू 3/3, तो ये आपका आ गया 3/15। अब ये हमारा बन गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी 8:4:3। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, देखो मैं फिर समझाता हूँ। मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, पहले क्वेश्चन को समझना है, पहले स्टूडेंट्स पहला हमारा जो कि दिमाग लगेगा, पहला दिमाग हमें जो कि लगाना है वो है केसेस को समझने में। तो जैसे पहला केस मैंने आपको समझाया कि जब न्यू पार्टनर आ रहा है मगर क्वेश्चन साइलेंट है, जब न्यू पार्टनर आ रहा है मगर क्वेश्चन साइलेंट हो ओल्ड पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग, जब ओल्ड पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना है। न्यू पार्टनर का शेयर आपको पता है कि 1/5 है, मगर ओल्ड पार्टनर ए बी थे, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमको पता है कि 2:1 है, मगर इनका आगे फ्यूचर में कैसा रेशियो रहेगा ये हमको नहीं पता। तो अब हम लोग यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहां पर सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकाला। क्या निकाला हमने यहां पर, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर आपने कैसे निकाला, रिमेनिंग शेयर आपने निकाला 1 माइनस न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए 1 माइनस न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 1 में से आपने न्यू पार्टनर सी का शेयर माइनस कर दिया, फिर 1 में से 1/5 आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास में अब जो रिमेनिंग शेयर आया वो आया 4/5। आपके पास में अब जो रिमेनिंग शेयर आया ये आया 4/5। अब आप क्या करोगे, नाउ द रिमेनिंग शेयर शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो हमारा रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच में, ए और बी के बीच में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में। तो मतलब आप ए का जो न्यू शेयर आएगा आपका ये आएगा 4/5 इंटू 2/3, क्या आएगा 4/5 रिमेनिंग शेयर इंटू, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो फिर आपने रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/5 इंटू 2/3, तो फिर ये आ गया आपका 8/15। बी का न्यू शेयर 4/5 इंटू 1/3, तो फिर ये आ गया आपका 4/15। सी का न्यू शेयर हमको पता था, सी का न्यू शेयर आपका 1/5 ही है, सी का न्यू शेयर आपका 1/5 ही है, सिर्फ इसका जो डिनोमिनेटर है ये 15 नहीं है। हम किसी भी चीज़ को आपस में तभी कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो तभी बन सकता है जब तीनों का डिनोमिनेटर एक बराबर हो, तीनों का डिनोमिनेटर एक बराबर होना चाहिए। तो ऊपर का ए का डिनोमिनेटर 15 है, बी का डिनोमिनेटर भी 15 है, तो सी के डिनोमिनेटर को भी हम कितना बना देंगे, 15 बना देंगे। 15 बनाने के मैंने क्या किया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो फिर आके आपका 3/15। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया हमारा ए बी सी का, ये हो गया 8:4:3। अब आप लोग इस चीज को प्लीज नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग वीडियोस को पॉज कर करके इसको नोट डाउन करते रहेंगे स्टूडेंट्स।
सो आई होप जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों ने सबने जो है वीडियो को पॉज कर करके जो है अलग से इन चीज़ों को नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने केस वन को कैसे करके सॉल्व करना है ये तो समझ लिया। मेरी एक हैबिट है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छा बेस डेवलप करके देता हूँ तो ही उनके नंबर भी इतने अच्छे आते हैं, इतना अच्छा वंडरफुली दे हैव परफॉर्म्ड इन दिस एग्जामिनेशन। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करूँ कि हम लोगों ने जो किया वो क्यों किया, उसका मतलब क्या था हम लोगों ने जो किया। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1 पहले से चला हुआ रहा है। एक नया पार्टनर आया हमारे पास में सी 1/5, एक नया पार्टनर आया हमारे पास में सी 1/5 शेयर जिसका हो गया। अब जब नया पार्टनर हमारे पास में आ रहा है सी जिसका न्यू शेयर हो गया 1/5, अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास में जब नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने दोनों पार्टनर्स ने आपस में कुछ डिस्कस तो किया नहीं, कुछ भी बात नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होगा, हम नए पार्टनर को पहले उसका शेयर दे देंगे, हम नए पार्टनर को पहले उसका शेयर दे देंगे और उस नए पार्टनर को उसका शेयर देने के बाद जो बच जाएगा वो पुराने पार्टनर्स जैसे पहले बांटते थे वैसे बांट लेंगे। जैसे मैंने एक सिंपल सा, जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊं, मैंने कहा सपोज करो ये मेरा पूरा एक प्रॉफिट है जिसके 5 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 हिस्से हैं, मेरा प्रॉफिट है उसके 5 हिस्से हैं। ठीक है, मेरा प्रॉफिट है उसके 5 हिस्से हैं। ठीक है, ये 5 हिस्से में से बेसिकली ए के पास में कितने हिस्से आते हैं, सॉरी मेरा प्रॉफिट 2:1 के रेशियो में था ना, मैंने ज़्यादा ऐसा कर दिया, एक सेकेंड, हाँ जी मेरा प्रॉफिट है उसके 3 हिस्से होते हैं, मेरा प्रॉफिट है पूरा उसका मैंने 3 हिस्सा कर दिया, 2 हिस्सा ए का 1 हिस्सा बी का हो गया। ठीक है, मगर अब एक नया पार्टनर आया, उस नए पार्टनर को हम लोगों ने क्या किया, उस नए पार्टनर को हम लोगों ने 1/5 दे दिया, मतलब अब हमने अपने प्रॉफिट का 5 हिस्सा किया, कितना हिस्सा किया, ये अगर मेरा पूरा प्रॉफिट है तो इसका हमने अब 5 हिस्सा कर दिया, 1, 2, 3, 4 और 5, हमने यहाँ पर इसके 5 हिस्से कर दिए और इस 5 में से एक हिस्सा किसको दे दिया, एक हिस्सा 1/5 हिस्सा हमने यहाँ पर दे दिया सी को। तो अब मेरे पास में कितने हिस्से बच गए, अब मेरे पास में ये है मेरे पास में 4/5 हिस्सा बच गया, ये मेरे पास में रिमेनिंग बच गया। राइट, जब पुराने पार्टनर्स अगर कुछ भी आपस में डिस्कस नहीं करते इसका मतलब क्या है, जो बचा है जो रिमेनिंग है वो पुराने पार्टनर्स, फोर पुराने पार्टनर्स, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो दिस रिमेनिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो रिमेनिंग हमारा बच गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे, मगर वो किस रेशियो में देंगे, वो हम लोग देंगे उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो हमारा रिमेनिंग बच गया है वो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब ध्यान समझना, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा जो है जो बच गया है 4/5, ये अब हम क्या करेंगे, इस 4/5 हिस्से को अब हम इसको फिर से ए और बी के बीच में ही हमको बांटना है, मगर किस रेशियो में बांटना है, 2:1 के रेशियो में। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4/5 के हिस्से को हम जो है इसको इसका फिर 3 हिस्सा करेंगे और 3 हिस्सा करके 2 हिस्से जो है ए को दे देंगे और 1 हिस्सा जो है हमने यहाँ पर बी को दे दिया। तो हमने बेसिकली यहाँ पर यही काम किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकाला। कोई नया बंदा आया, ऐसे समझो पहले 2 पार्टनर्स थे, एक नया बंदा आया, जब वो नया बंदा आया तो फिर क्या किया, पहले उसको दे दिया, फिर जो बच गया उसको देने के बाद में अब हम लोग जैसे पहले बांटते थे हम
जितना बचा हुआ है उसको वैसे ही बांट लिए, तो ए और बी ने आपस में एडजस्ट करके वैसे ही करके बांट लिया, तो ए का भी न्यू शेयर आ गया आपके पास में, बी का भी न्यू शेयर आ गया आपके पास में, और फिर यहाँ पर आपके पास में सी का तो न्यू शेयर था ही, सिर्फ हमको क्या करना था, तीनों के डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना था, हमने तीनों के डिनोमिनेटर को एडजस्ट करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर निकाल दिया। सो दिस वॉज एन एक्सक्लूसिव डिस्कशन अबाउट केस वन, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं केस टू, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं केस टू। केस टू में क्या हो रहा है, व्हेन सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन, जब हमको क्या चीज़ गिवन है, व्हेन इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा आपसे, कंटिन्यूइंग अबव एग्जांपल से मेरा मतलब यहाँ पर समझ लेना स्टूडेंट्स, आई मीन द बेसिक वन वो जो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेस्ट वन था ना, वो वाले एग्जांपल से मेरा मतलब है। सो कंटिन्यूइंग अबव एग्जांपल इफ सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट which he acquired one 10 from A and 110 from B। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने आपको एक केस लिख के दे दिया कि कंटिन्यूइंग अबव एग्जांपल जो आपका ऊपर वाला एग्जांपल था, यहाँ पर C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 1/5 है, मगर ये जो 1/5 इसने एक्वायर किया है इसको 110 कहाँ किससे मिला है, इसको 110 मिला है A से, और इसको यहाँ पर 110 किससे मिला है, इसको यहाँ पर 110 मिला है B से। सो कंटिन्यूइंग अबव एग्जांपल इफ C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड 110 फ्रॉम A एंड 110 फ्रॉम B। अब यहाँ पर मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट करना है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब देखो इस वाले सिनेरियो में हुआ क्या, ध्यान समझना, इस वाले सिनेरियो में आपका जो क्वेश्चन है उसमें साइलेंट पार्ट हट गया, मतलब यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स के रिगार्डिंग जो ऊपर साइलेंट हुआ था क्वेश्चन, यहाँ पर साइलेंट नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। अगर सी को 1/10 मिला, सी को वन बाय फाइव मिला तो सी को जो 1/5 मिला उसमें ए ने कितना दिया, ए ने दिया 1/10, बी ने कितना दिया, बी ने भी दिया 1/10, तो जाकर के सी का कितना हिस्सा बना, आपका 1/5, तो जाकर के सी का आपका हिस्सा बना 1/5। अब यहाँ पर हम लोग इस एग्जांपल को कैसे करके सॉल्व करेंगे वो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको, इन दिस एग्जांपल क्वेश्चन प्रोवाइड्स अस, क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करता है, इट इज़ प्रोवाइडिंग यू, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी जो कि आपका है 2:1, फिर आपको दे रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी आपको दिया 1/5, आपको यहाँ पर दिया है सेक्रीफाइस ऑफ ए, ये सेक्रीफाइस ऑफ ए कितना है, ये सेक्रीफाइस ऑफ ए है 1/10, और आपको यहाँ पर दिया है सेक्रीफाइस ऑफ बी बी,
सेक्रीफाइस ऑफ बी कितना, ये भी आपका है 1/10। मैं इसको चेंज पे आगे करके दिखाऊँ आप लोगों को एग्जांपल्स में। सेक्रीफाइस ऑफ ए आपको दिया है 1/10, सेक्रीफाइस ऑफ बी आपको दिया है 1/10। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट इसी हो इसलिए मैंने 1/10 और 1/10 एक बार ले लिया है, हालांकि मैं इसको बाद में आप लोगों को चेंज करके दिखाऊंगा। तो सेक्रीफाइस ऑफ ए कितना 1/10, सेक्रीफाइस ऑफ बी कितना आपका ये भी है 1/10। अब ध्यान से देखो हम लोग यहाँ पर जो है क्या करें, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया हमको ये पता है 1/10, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉलिड नहीं है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, इस केस में जो आपका जो सॉल्यूशन होगा, ध्यान समझना, इस केस में जो आपका सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, फाइंड आउट ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे आप फाइंड आउट करोगे इस केस में ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान समझना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस केस में आपका हो जाएगा क्या, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ये आपका आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस आ जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे सिंपल है आपका ए का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा आपका वो आएगा, ओल्ड कितना था, ओल्ड था 2/3 और सेक्रीफाइस कितना, सेक्रीफाइस है 1/10। इसका ओल्ड कितना था बी का था 1/3 और इसका भी सेक्रीफाइस कितना, सेक्रीफाइस है 1/10। आपने माइनस करना है, एलसीएम ले लिया, 30 आया, 20-3 आया 17/30। फिर वैसे ही करके यहाँ पर एलसीएम लिया, 30 आया 10-3, यहाँ पर भी आपका 7/30 आया, ठीक है। और फिर जो सी का न्यू शेयर आया 1/5, यहाँ पर 1/5 है, अभी एलसीएम 30 ले लें इन लोगों का, डिनोमिनेटर बेसिकली 30 बना देते हैं, तीनों एक बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर एलसीएम 30 आया। तो 30 बनाने के लिए क्या करें, अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका 6/30। अब आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है ए बी और सी का, ये आ रहा है 17:7:6। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है ए बी सी का, ये आ रहा है 17:7:6। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका जो आ रहा है ए बी सी का, या रहा है 17:7:6, ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी 17:7:6, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल से काम था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया ओल्ड पार्टनर्स का। ये कैसे निकाला आपने, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस करके, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 2/3, सेक्रीफाइस 1/10, माइनस किया 17/30, बी का भी 1/3 माइनस 1/10 7/30, फिर सी का 1/5 इंटू 6/6 6/30, ये आपका आ गया बेसिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का 17:7:6, ये आपका आ गया, ठीक है। सो बेसिकली अब ध्यान से फिर से एक बार इस केस को हम लोग रिवाइज कर लें। आपको इस केस में मैंने यहाँ पर सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की अपने को जरूरत नहीं पड़ा। अपने को यहाँ पर क्या दिया हुआ था, अपने को यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ही था, अपने को यहाँ पर जो है एक साथ साथ में आपको न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया, और फिर आपको साथ साथ में क्या चीज़ दे दिया यहाँ पर, ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस, ए का 1/10, बी का 1/10। अब आप क्या करोगे, सिंपली ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया कैसे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके, बी का भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया कैसे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके, और ऐसे करके आपने काम किया। हाँ जी, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर ये सेक्रीफाइस को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने 1/10 इक्वली ले लिया था, तो मैं सिर्फ ए और बी का जो सेक्रीफाइस है उसको आप लोगों को चेंज करके दिखाता हूँ कि देखो वहाँ पर हमारी कैलकुलेशन कैसे करके होगी। सेक्रीफाइस ए का और बी का मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कर दिया ये आपका, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड,
जी मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, सपोज करो ए का 4/25। फ्रेमिंग अ क्वेश्चन इज बेसिकली इट टेक्स टाइम स्टूडेंट्स, इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स। सो मैंने सेक्रीफाइस इसको कर दिया ए का 4/25 और बी का मैंने सेक्रीफाइस कर दिया 1/25। लेट्स से अपने को क्वेश्चन में जैसे 1/10 और 1/10 दिया हुआ है, उसके जगह पर आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ है ए और बी का। ए का दिया हुआ सेक्रीफाइस आपको 4/25 और बी का सेक्रीफाइस आपको दिया हुआ है 1/25। अब आप क्या करोगे, सिंपल है, सेक्रीफाइस तो दे दिया है, सेम तरीके से काम करना है। सिर्फ मैं यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट एक कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन करवाना चाह रहा हूँ। तो ये 2/3 माइनस 4/25, ए का न्यू सिर हो जाएगा, बी का न्यू सिर हो जाएगा आपका 1/3 माइनस 1/25, और जो सी का आपका न्यू सिर आएगा ये आएगा 1/5। तो अब ये देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ गया मेरा 75 आ गया, नहीं राइट 75 आ गया। अब 75 अब इस केस में आप क्या करोगे, ये आपका आ गया 50 समथिंग रॉन्ग जी 50 माइनस 12 38/75। फिर यहाँ पर भी 75 25 माइनस 3 22/75, और यहाँ पर तो ऑलरेडी आपका 75 है ही। तो अब आपने क्या किया, मतलब 15 है, यहाँ पर भी अब हमको 75 बनाना है क्योंकि C का डिनोमिनेटर हमारा 5 है, इसको हमको 75 बनाना है। तो फिर आपने ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये आ गया आपका 15/75। तो अब आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा A, B और C के बीच का, ये आएगा 32:22:50। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया किसका, ए बी सी का। केस टू का ही एक और एग्जांपल था स्टूडेंट, जो कि मैंने आप लोगों को करके दिखाया। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने दो केसेस सीखे हैं, हमको कुछ और केसेस सीखना है जो कि हम लोग नेक्स्ट अपने सेशन में सीखेंगे, ठीक है। सो इसको प्लीज़ रिवाइज करिएगा स्टूडेंट्स बिफोर टेकिंग अप द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि आपको ये जो रिवीजन है वो नेक्स्ट सेशन में फिर काम आएगा। ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं पर आपको लगेगा कि सर कंटिन्यू कर रहे हैं आगे चल करके। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सो नोट्स मेरे आगे में नहीं है समय, बट मेरे पास में बुक है, तो मैं बुक से एक बार क्वेश्चन एक बार रीड आउट करना चाह रहा था। मेरे पास में अभी क्वेश्चन अभी खुला हुआ नहीं है, मैं बस खाली एक बार आप लोगों के सामने एक बार क्वेश्चन रीड आउट करना चाह रहा था। मोस्ट प्रोबली मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग क्वेश्चन, इनके पास में क्वेश्चन नहीं है, वो ध्यान से मेरी बात को सिर्फ सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात को फिर सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A, जैसे आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 5:3। तो अपने को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता दिया है ए और बी के बीच का, कितना बता दिया आपको, बता दिया यहाँ पर 5:3। फिर कह रहा है सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। फिर आपको कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता दिया है सी का, सी का बता दिया है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब हमसे यहाँ पर चाहता है कि आप सिर्फ कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर ध्यान से अपने को बात को पकड़नी पड़ेगी, बात हमने ये पकड़ा यहाँ पर कि क्वेश्चन साइलेंट है किसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। प्लीज़ फोकस ओवर हेयर, क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। सो इस केस में आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पर निकालोगे रिमेनिंग शेयर। आपने यहाँ पर सबसे पहले निकाला क्या, रिमेनिंग शेयर 1-1/4 जो कि आपका आ गया 3/4। अब ये रिमेनिंग शेयर आप ए और बी के बीच में बांट दोगे, किस रेशियो में बांट दोगे, 5:3 के बीच में। तो अब यहाँ पर आपका ए का न्यू शेयर हो जाएगा, ए का न्यू शेयर आ जाएगा 3/4, रिमेनिंग शेयर 3/4 इनटू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 5/8, 3/4 इनटू 5/8। फिर वैसे ही बी का भी हमारा न्यू शेयर आ जाएगा 3/4 इनटू 3/8, तो ये आ गया आपका 15/32,
और ये आ गया 9/32। और जो आपका सी का जो न्यूसेर आएगा आपका, ये सी का न्यूसेर आएगा आपका कितना, सी का न्यूसेर तो ऑलरेडी हमको पता है, ये आ रहा आपका 1/4 और ये ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई, तो ये 8/32। अब यहाँ पर हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा ए बी सी के रिगार्डिंग 15:9:8। राइट, सो क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन। अरे आई हैव नॉट लेफ्ट द क्लास, हैव यू लेफ्ट द क्लास अच्छिता एंड ऑल। आप लोग अभी से थैंक यू क्यों बोलने लगे थे, क्या मैंने कहा कि जा रहा हूँ मैं? अरे मैं कहीं नहीं गया, केसरी जी अच्छिता है ना आप लोग। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1B, एनबी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 21:9, सी वॉज एडमिटेड ऑन 9/21 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो ए और बी का आपका जो है, ए और बी का आपका जो है यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ए बी का 21:9। फिर आपको यहाँ पर सी का न्यू शेयर दे दिया है 9/21। अब फिर से क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, तो अब साइलेंट है तो फिर आप वॉयलेंट हो जाओ। कैसे वॉयलेंट हो के आप यहाँ पर रिमेनिंग शेयर निकालना, ठीक है, 1-9/21, 12/21, फिर आपको यहाँ पर ए का न्यू शेयर निकालना है 12/21 इंटू 21/30। वैसे ही बी का न्यू शेयर निकालना है मेरे को 12/21 इंटू 9/30, 4, 10, 10। So, 28/70, 12/70, ठीक है, और फिर और फर्दर काट सकते हैं क्या? ठीक है, और फर्दर काट देते हैं, ये और फर्दर कट रहा था, ठीक है, 14/35, 6/35। अब आपका जो सी का न्यू शेयर आया, ये आपका सी का न्यू शेयर आएगा कितना, आपको पता ही, न्यू सी का न्यू शेयर तो आपको निकाला ही हुआ था, सी का न्यू शेयर आपका निकाला हुआ था 9/21। पहले इसको कट कुट करते हैं, तो फिर ये आएगा आपका 3/7। अब 3/7 में मल्टीप्लाई मारते हैं, इसको 35 बनाना है, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15/35। अब आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया ए बी और सी का, यह हो गया 14:6:15। ठीक है, सो आज इतना तक ही करते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चंस जो है वो कल लगाएंगे, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। नाउ यू कैन सी मी, थैंक यू, नाउ यू कैन थैंक मी, बाय बाय, टेक केयर। सिंस 9 बज गए, मुझे लगता है बहुत से बच्चों क्लासेस होंगी, बाय बाय, टेक केयर।